बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के घर को टारगेट करके हिजबुल्ला ने हमला किया है और हमले के वक्त नेतन्याहू घर में मौजूद थे या नहीं इस बात की भी जानकारी नहीं है। नेतन्याहू के पुश्तैनी आवाज को निशाना बनाकर अटैक किया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नेतन्याहू के घर को टारगेट कर हिजबुल्ला ने हमला किया है। नेतन्याहू उस वक्त घर में थे या नहीं इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है और किसी भी जानी नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि यरूशलम में भी नेतन्याहू का एक और घर है, यहाँ पर वो मौजूद थे या नहीं वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जिस घर पर हमला हुआ है वहाँ किसी के भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेतन्याहू के पुश्तैनी आवाज को निशाना बनाकर यह अटैक किया गया है और हमारे सहयोगी राहुल दबास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कुल मिलाकर के जो बेंजामिन नेतन्याहू का प्रधानमंत्री आवास है उस पर हमला नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसकी मल्टीपल लेयर पहले से एक्टिव रहती है, चाहे वो आयरन डोम हो या फिर एरोस 3 हो, डिवी स्ट्रिंग हो, और अब तो अमेरिकन एयर डिफेंस भी सिस्टम भी काम कर रहा है। पुश्तैनी घर को टारगेट किया गया है, ये दर्शाने के लिए काफ़ी है जो जिस हम रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं उस लिहाज से कि किसी भी जगह को वो टारगेट पर ले सकते हैं। हालांकि जब भी किसी घर के अंदर हमला किया जाता है तो बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो पेनिट्रेट कर सके, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हुई। लिहाज जो हमला हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये सांकेतिक हमला है और सांकेतिक हमला ये जताने के लिए काफ़ी है कि चौथी की फोर्सेज हो या फिर लेबनान में हिजबुल्ला या फिर ईरान, इनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके टारगेट से बाहर नहीं है, ये दिखाने की कोशिश है। हालांकि औपचारिक प्रधानमंत्री आवास या फिर तेल अवीव में जो उनका मेन बंकर है वो निशाना नहीं बनाया गया है। जी बिल्कुल राहुल, इस बात को लेकर क्या कुछ आपके पास? लौटूंगी। रिटायर्ड कर्नल कीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से राहुल बता रहे हैं कि ये सांकेतिक हमला था और किसी भी पेनिट्रेशन को यहाँ पर अंजाम नहीं दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये बात तो सच है कि हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को और उसके नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी कमांडर थे उन सबको इसराइल ने मार दिया, लेकिन ये भी सच है कि हिजबुल्लाह के जो हुदहुद ड्रोन आए थे उन्होंने इसराइल में हाइफा पोर्ट की एक एक तस्वीर लेके पूरी दुनिया के सामने 11 मिनट के एक वीडियो में रख दी थी। लिहाजा कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर के ऊपर ड्रोन से हमला किया हो, क्योंकि इससे पहले भी उनके ये ड्रोन वहां पर आते रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि ये हमला उनके बंकर पर भी हुआ है या नहीं, लेकिन अगर घर के ऊपर ये हमला हुआ पुश्तैनी आवाज को निशाना बनाया गया है सर, तो क्या ये हिजबुल्ला की बौखलाहट को नहीं दर्शाता है, क्योंकि इस अटैक के बाद अब इसराइल और चौकन्ना हो जाएगा? नहीं, इसमें चौकन्ना होके क्या होगा, जो हिजबुल्ला है उसको हम ये कहें कि वो बौखला गया है, अब उसके पास में बचा क्या है? देखिए, एक फर्क है, हमास के अंदर वो GBU बम जो 14-14 टन के होते हैं वो इसलिए नहीं डाले गए क्योंकि ये डर था कि कहीं उनके साथ में इजराइल के बंधक भी ना मारे जाए, लेकिन हिजबुल्ला के केस में लेबनान में, साउथ लेबनान में जितनी भी सुरंगें हैं उनमें हॉस्टेजेस नहीं है, लिहाजा वहाँ पे वो डाले जा रहे हैं और अब हिजबुल्ला अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हमें नहीं लगता कि वो कोई इफेक्टिव एक्शन लेने के लिए कैपेबल है, अनलेस अगर रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों किसी और रूट से या समुंदर के रूट से उसको हथियार पहुंचाए, क्योंकि इजराइल और लेबनान का रूट तो इजराइल ने सीरिया और लेबनान का रूट तो इजराइल ने पहले ही उड़ा दिया है। लेकिन अगर अब सुनवार के बाद बने नए नए चीफ की बात करें तो क्या उसकी तरफ से भी ये कह सकते हैं कि पैगाम भिजवाया गया है कि हम छोड़ेंगे नहीं?
देखिए, अगर कोई लीडर बैटलफील्ड के ऊपर ये कह दे कि हम पीछे हट रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो ना तो कमांडर है ना लीडर है। लिहाजा इन स्टेटमेंट पे बिलीव मत करो। हमास का जब से सिनवार मारा गया है, उसके जो भी 3-4 उत्तराधिकारी हैं, वो में से कोई भी कैपेबल नहीं है इस सिनवार की जगह लेने के लिए। और अगर वो आते हैं तो उन्हें मालूम है कि इसराइल की मोसाद एजेंसी के निशाने पे पहला नंबर उन्हीं का है। जी चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ नेतन्याहू के पुश्तैनी आवास को निशाना बनाया गया है, जो ऑफिशियल पीएम आवास है उसे निशाना